जनपद मुरादाबाद में कार टकराने पर सीओ और दरोगा विवाद में नया मोड़ सामने आया। दरोगा ने सीओ के सामने आने पर सरकारी पिस्टल से गोली मारने की धमकी दे डाली। धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अफसरों ने वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की बात कही। बता दें, सोमवार को दरोगा सचिन दयाल ने सीओ देवेंद्र यादव पर जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया था। दरोगा ने एसपी देहात से इसकी शिकायत भी की थी, साथ ही कार्यवाही के लिए सिविल लाइन्स थाने में सीओ के विरुद्ध तहरीर भी दी। इसी दौरान मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर दरोगा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दरोगा ने सीओ के उसके सामने आने पर सरकारी पिस्टल से गोली मार देने की बात कहकर सनसनी फैला दी। वायरल वीडियो में दरोगा खुद के संबंध में सांसद और मंत्री से होने की बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ इस मामले में खुद प्रदेश के डीजीपी से वार्ता होने की बात कह रहा है। वहीं दूसरे मामले में दरोगा सचिन दयाल पर फकीरापुरा क्षेत्र की महिलाओं ने भी मंगलवार रात अभद्रता और छेड़खानी का आरोप लगाया। फिलहाल एसपी सिटी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी पहलुओं की जाँच कर कार्यवाही की बात कही है। सर, एक सोशल मीडिया पर ये एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो संज्ञान में आया है। ये सचिन दयाल है, ये पिछले 8-9 महीने से पुलिस लाइन मुरादाबाद में नियुक्त है। इनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी उसमें भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जो कुछ महिलाएं हैं इसी ऐसे ही सचिन दयाल का नाम ले रही है, तो इसकी भी जांच कराई जाएगी और सत्यता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे हम लोग।